दिस इज सुजल एंड बैक टू माय चैनल क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था मेरे प्रीवियस वीडियो में जो था मेरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन और 24 आवर्स चैलेंज, तो वो था मेरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन का चैलेंज का पार्ट वन और ये है पार्ट टू। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा रूम टूर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। सो हाउ एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी स्टडी टेबल, जो बिल्कुल भी जैसे मैंने उस वीडियो में पूरी सेटअप की थी तो ये वैसे ही है। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ उसमें, ये देखो ये मेरे सारे स्केच पेन्स हैं, उसमें छोटे वाले भी स्केच पेन्स हैं। ये मुझे कलरफुल स्केच पेन बहुत ही ज़्यादा पसंद भी हैं और मुझे ड्राइंग भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहीं पर रखती हूँ अपनी टेबल पे। और इसमें देखो, ये देखो मेरे पेंस और हाइलाइटर्स, मेरी पेंसिल्स और बहुत कुछ एंड और यहाँ पर मेरी इरेजर एंड शार्पनर रखा है, ये एक नेल कटर रखा हुआ है। ओके, सो आफ्टर दैट दिस इज़ माय मोबाइल स्टैंड। आई जस्ट व्हेन आई डू माय ऑनलाइन क्लासेस, सो जर आई जस्ट कीप माय फोन हियर एंड देन आई जस्ट अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस। सो एंड आफ्टर दैट आई वाज टेल यू दैट दिस चेयर आई डोंट वांट टू मींस आई डोंट वांटेड टू चेंज एनीथिंग। सो द चेयर मीन द चेयर इज रिमेन सेम ओनली। ओके, and after that these are my attaches. Okay, so I have just covered this from me from a cloth. Okay, and after that this is my piano, my big piano, I love it. So जैसे कि मुझे आपको अभी ये था मेरा सिर्फ स्विच पैनल, यही है और कुछ तो है नहीं, जैसे कि यही है मेरा सिर्फ स्विच पैनल मेरे रूम में। ओके, सो इसीलिए मैं नहीं कर पाई थी, मतलब इसलिए मैं पियानो इधर ही रखी हूँ। ये देखो फ्रेंड्स। ओके, सो जब भी मुझे जरूरत होती तो मैं उसको यहाँ पे मूव कर लेती, क्योंकि ये मूवेबल विद व्हील्स है। ये देखो, इसमें व्हील्स भी हैं और नीचे को स्टोरेज भी रखा है, तो उसको भी मैंने चेंज कुछ किया ज़्यादा था नहीं। ये बैग है जिसमें थोड़े से मेरे कपड़े रखे हुए जो फिट नहीं आ रहे थे मेरे कबर्ड में। ओके, दिस इज माई स्कूल बैग व्हेन आई विल गो टू स्कूल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी सैड ऑल्सो दैट व्हेन विल दिस लॉकडाउन एंड कोविड-19 विल गो अवे फ्रॉम अस एंड वी विल लिव इन लाइफ इन पीस। Okay, so after that I have this one box and this is a box in which I have some means useless pencils and eraser sharpeners like that. Okay, so ये था मेरा पियानो का टूर, यानी कि मेरे ये जो पियानो वाला टूर का था, तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, मैंने इसमें चेंज भी नहीं किया था। तो बस मैंने इतना चेंज किया था कि ये जो पियानो है मैंने इधर से लेके इधर तक ले आई थी, पहले ये यहाँ पर था, एक्चुअली पहले यहाँ पे जहाँ पे मेरी स्टडी टेबल वहाँ पे था। ओके, सो उसके बाद था मेरा ये बेड, और बेड में तो कैसे है, ये देखो यहाँ पे बेडशीट्स रखी हुई हैं और थोड़ी सी यहाँ पे मेरा चादर रखा हुआ है और ये थोड़े से कपड़े हैं और ये देखो, और बेड में इतना कुछ ज़्यादा है भी नहीं। ऊपर का स्टोरेज कैबिनेट मैंने चेंज किया था, यानी कि इसका टूर इसको मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ पर है ये डस्टिंग वाला, वो माइक्रोफाइबर जैसा है ये, बिल्कुल ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पर ये मेरा उसका एक और कॉलिन रखा हुआ ग्लास क्लीनर का, यहाँ पर मेरी एक कॉपी रखी हुई है, ये मेरी रफ कॉपी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ऐसी ये देखो, इसमें भी पेंसिल, शार्पनर्स, इरेजर्स एंड लाइक दैट स्केच पेंस। ओके, एंड दिस इज़ माय स्पीकर, माय स्मॉल वन JBL एंड एक्चुअली द बिग वन इज़ इन माय कबर्ड। ओके, सो मैंने से आगे के 1 या 2 शेल्फ्स ही मेरे स्टोरेज कैबिनेट के चेंज किए थे, तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मेरा एक नया रजिस्टर आया था, वैसे अभी इसको मैं यूज़ नहीं कर रही थी, लेकिन आज मुझे कुछ कंप्यूटर में लिखना था। ये देखो, आज मुझे कंप्यूटर जनरेशन्स लिखनी थी। ओके, सो ये देखो मैं कंप्यूटर जनरेशन्स लिख रही थी, तो इसलिए मुझे इसके लिए एक बड़ा पेज चाहिए था, इसीलिए मुझे रजिस्टर की ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैंने उसको अपने इसी वाले में रखा हुआ है। तो इसमें देखो मैंने सब बुक्स और बॉक्सेस रखे हैं और इसमें को मैंने कवर वाला वो भी रखा है। सो दूसरे में कुछ ज़्यादा है भी नहीं, देखो इसमें देखो मेरा पेपर पड़ा हुआ है ऐसे ही, ये बिल्कुल बेकार रजिस्टर का ही था, तो उसमें कुछ ड्राॅइंग बनाई थी मैंने,
तो उसको मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। ये देखो इसमें भी बिल्कुल पूरे सेम ही है। देखो इसमें मेरे हेडफोन्स भी हैं। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ भी बता दूँ मैं, कि मैं आपको बताऊँ कि यानी कि कल यानी कि टुमारो माय न्यू हेडफोन्स आर कमिंग फॉर माय ऑनलाइन क्लासेस, टू अटेंड माय ऑनलाइन क्लासेस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और जैसे ही मेरे हेडफोन्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, जो होगा मेरा नया वीडियो। तो शायद कल कोई वीडियो नहीं आ पाएगा वैसे, बिकॉज फ्रॉम आई मीन सभी रूम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर 24 आवर्स चैनल मैंने डाला था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मतलब आपको बताया था कि मैं अगले हफ्ते कैसे वीडियो करने वाली हूँ, डेट ट्राई नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर 24 आवर्स। वो अभी तक मैं नहीं कर पाई हूँ, सो सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मतलब थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, कुछ समर कैंप की क्लासेस भी रहती हैं, तो एक्चुअली कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। सो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। And please give this video a thumbs up, and if you if you want to support me, okay, so just keep my subscribe button gray and don't keep it red, okay. So now I will continue. So that was only means in this video I would be just ending up this video. अब यहाँ पे video मैं end करती हूँ, क्योंकि अब उस रूम में कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अब मैंने आपको हर वीडियो की मतलब हर चीज़ दिखा दी है मेरे वीडियो की, तो आई जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो एट दिस पॉइंट ओनली। बट फ्रेंड जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी कि मेरा क्यों मेकअप वाला हट गया। सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरा मेकअप वाला हट गया। मैं बताऊंगी फिर से आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो मेरे मेकअप कॉर्नर में कुछ भी नहीं रह गया, ये देखो यहाँ पे।